हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं अभी जो है इस टाइम पर अपने खेत के पास हूँ। मेरे पीछे देख सकते हो, ये अब तो इसमें पता नहीं चलेगा कि मेरा वाला खेत कौन सा है, मतलब हमारा खेत कौन सा है, क्योंकि सभी खेतों में धान लगा हुआ है। और मेरे पीछे देख सकते हो बाइक, बैग, मेरा हेलमेट पीछे, ये सेफ्टी के लिए मतलब हमेशा हेलमेट रखता हूँ साथ में, मतलब कहीं भी जाता हूँ तो वो हमेशा रहता है मेरे पास। और ये यार मतलब धान देख सकते हो ये कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, बाली 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 आ गई है इसमें। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ ना कि धान गिर गया है, देखो इस साइड पे पूरा धान गिरा हुआ है। तो मतलब अभी पीछे जो है बारिश हो रही थी, तो बारिश तो चलो ठीक है, अच्छे के लिए हुई है, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब बारिश हो गई, उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया है कि धान गिर गया है। तो ऐसा होगा ना कि इसमें जो है पैदावार थोड़ी कम हो जाएगी, जहाँ जहाँ गिरा है पैदावार कम हो जाएगी, और मतलब वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी इस धान में, जो खड़ा धान है उसके मुकाबले वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी। यार आप लोग देख सकते हो कि कितना मस्त लग रहा है व्यू यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मैंने नीचे ये मिट्टी खोद के इसको बराबर किया था, और जिस साइड देखो मिट्टी खोदी है ना, उसी उसी साइड गिरा है। मतलब कि मिट्टी अभी इतनी मजबूत नहीं हो पाई थी, इस वजह से जो है, और मेरा ही नहीं सभी का गिरा है। उधर आगे आगे जो खेत है वहाँ उनका भी गिरा है। तो ऐसा ही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मिट्टी की वजह से है, ये इस साइड ना थोड़ा मतलब ढाल जैसे कहते हैं ना कि इस साइड जो है नीचा था, उस साइड ऊंचा था, तो पानी वगैरह साथ ज़्यादा इधर लगता था, इसी वजह से जो है ये धान इतना गिर गया। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि मेरे को जाना है सुल्तानपुर। वहाँ पे अभी इस टाइम पे मेरे को दो गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो दोनों गाड़ियों को इंस्टॉलेशन मतलब दोनों गाड़ियों में इंस्टॉलेशन करना है। करने के बाद जो है फिर देखते हैं, कोई गाड़ी वगैरह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस घर आ जाएंगे। और एक जो है मेरी वीडियोस में मतलब मेरे चैनल पर एक बहुत ही सही वीडियो आने वाली है, मतलब आने वाली है, देखो जब भी बन जाती है, मेरे पास टाइम नहीं रहता ना, तो इस वजह से टाइम का रीज़न रहता है यार कि वीडियो नहीं बन पाती, वरना मैं वीडियो रोज़ शूट करूँ। सो चलते हैं अभी सुल्तानपुर, वहाँ पर मतलब काम करते हैं अपना, जो अपना मतलब काम है यार, तो काम करते हैं, काम करने के बाद वापस आते हैं जो टाइम निकलता है, तो उसके बाद देखते हैं वीडियो वगैरह शूट करते हैं कहीं पे, और लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं यार, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाता है ना कि छुट्टी नहीं रहती है, तो फिर मतलब काम काम सारा दिन काम। सो गाइस, अभी का टाइम हो रहा है 4:15, और मैं सुल्तानपुर से लौट रहा हूँ। मेरे को दो इंस्टॉलेशन करने थे जो कि मैं कर चुका हूँ, और एक में मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा समय लग गया, और बहुत ही टफ इंस्टॉलेशन था यार, क्योंकि उस साइड ना जैसे जिस साइड गाड़ी का दरवाज़ा था, स्टेयरिंग थी, उस साइड धूप आ रही थी बहुत ही ज़्यादा तेज़, तो इस वजह से जो है मतलब बहुत ही मुश्किल हुआ उसको लगाने में, बट लग गया, दोनों सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी मैं चल रहा था घर, तो मैंने मेरा एक दोस्त था, मतलब काफ़ी दिन हो गए, लगभग 6-7 महीने हो गए, साल हो गया होगा मिले हुए, तो मैंने उसको कल देखा था, तो फ़ोन किया तो पता चला कि वो तो सुल्तानपुर में ही है और मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर किसी दिन मिलेंगे। हो सकता है मैं कल भी सुल्तानपुर आऊँ, तो फिर उससे मिलता हूँ। बाकी मैंने सोचा था कि हाँ मतलब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो जाऊँगा सीधा उसके घर, बट अब जाऊँगा मैं अपने सीधा घर, वो वहाँ पे मतलब सुल्तानपुर में इस टाइम पे, तो देखो हो सकता है तो कल मिलते हैं। तो चलते हैं अभी सीधा घर अपने, और देखते हैं कि अपने क्या शूट हो सकता है आज।